Okay, so welcome back to the part two of session two of week two. इनिशियली हमने ये जो UI आपको नजर आ रहा है ये हमने बना लिया है और ये सारी फंक्शनलिटीज हमने बना ली है यहाँ पर. इसको मैं जरा रिस्टार्ट कर लूँ तो चीजें आपको समझ आ जाएगी. So, ये UI हमने बना लिया है. इसका सारा कोड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है. यहाँ पर हम ईमेल एंटर कर सकते हैं test@gmail.com. अब इसमें आप कुछ और वैलिडेशन है वो भी लगा सकते हैं बट राइट नाउ वो वैलिडेशन हम नहीं लगा रहे. केस ईमेल को आप वैलिडेट कर सकते हैं कि इसका जो ईमेल का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है, इसको भी हम ठीक वहां से एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आप लोग यहाँ पर अपना माइक ऑफ कर दें तो चले सही है. तो हम और भी यहाँ पर चेक्स लगा सकते हैं बट दैट्स इनफ. आपको मैंने आइडिया दे दिया है, बाकी आपका काम है कितने चेक्स आपने लगाने हैं आगे. सही है. अब यहाँ पर हम आते हैं पासवर्ड की तरफ. सो यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं. सही है. हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे, होम स्क्रीन पे. अभी हमारा गोल है होम स्क्रीन को डिजाइन करना. सही है. तो अब नेक्स्ट फेज में हम इस स्क्रीन को डिजाइन करेंगे. ये जो स्क्रीन आपको अगर नजर आ रहा है तो राइट नाउ मैं कोशिश करता हूँ कि हम ये वाला भी ये लिस्ट व्यू भी डिजाइन कर लें बट टाइम कॉन्स्टेंट है यहाँ पर. देखते हैं अगर टाइम हमें मिला तो इसको भी कर लेंगे, अदरवाइज आज के लिए हम जस्ट ये डिजाइन कर लेंगे और बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ देंगे. तो कमिंग टू दिस स्क्रीन, होम स्क्रीन. सो दिस इज अवर होम स्क्रीन, इसको हमने डिजाइन करना है. मेरे ख्याल में ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये जो सर्च म्यूजियम का सेक्शन है इसको बना लेते हैं. ये जो ऊपर ये रो आपको नजर आ रहा है तो ये रो मेरे ख्याल में आप लोग खुद भी बना सकते हैं या चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको. सो वी आर ऑन, वी शुड बी ऑन होम स्क्रीन. अभी हमने होम स्क्रीन डिजाइन करना है. सही है. तो होम स्क्रीन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन है, तीन सेक्शन है हमारे पास. तीन नहीं बल्कि चार सेक्शन है. एक हमारे पास ये टॉप का सेक्शन है जहाँ पे हमारे पास ये आइकन है, ये टेक्स्ट है और ये जो दूसरा टेक्स्ट है ये है. फिर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, सर्च फील्ड. फिर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू और फिर हमारे पास वर्टिकल लिस्ट व्यू है. इसको हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलम बनाएंगे उसके लिए. सही है. सारे वर्टिकली अलाइन है तो हम कॉलम ही बनाएंगे. एंड कॉलम हम क्या करते हैं, कॉलम टाइमिंग हम कॉलम बनाते हैं. एंड यहाँ पर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन में क्या होगा, चिल्ड्रन में हमारे पास ये सारे सेक्शन आएंगे. सही. अब सेक्शंस को हम फर्स्ट कमेंट आउट करते हैं अपने लिए कि मैं अंदाजा हो कौन कौन सेक्शन बनाने हैं. इसको मैं हेडर का नाम दे देता हूँ, इसको मैं सर्च फील्ड का नाम देता हूँ. सही है. हेडर एंड सर्च फील्ड है, सर्च टेक्स्ट फील है उसके बाद. सही है. फिर थर्ड पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है. एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास वर्टिकल लिस्ट व्यू है. ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू हमारे पास है टॉप विजिटेड की एंड ये हमारे पास है वर्टिकल लिस्ट व्यू न्यूज एंड एग्जीबिशंस की, ऑफ न्यूज एंड एग्जीबिशंस. सही. तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसका कुछ यूं बनेगा. सही है. सबसे पहले हम अपना हेडर डिजाइन करते हैं. तो हेडर आपको नजर आ रहा है हमारे पास एक रो बनेगा. सही है. रो है, उसमें एक आइकन है, टेक्स्ट है, फिर आइकन है, फिर हमारे पास एक और आइकन है. तो रो एंड रो में हमारे पास चिल्ड्रन होंगे एंड चिल्ड्रन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है एक आइकन. सही है. एंड आइकॉन्स डॉट पिन का आइकन है. अच्छा, पिन आइकन, पिन ड्रॉप. चले फॉर टाइमिंग मैंने पिन ड्रॉप का आइकन डाल दिया है यहाँ पर. ओके, पिन ड्रॉप आइकन है. उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है. आपको सिटी के बारे में बता रहा है कि कौन सी सिटी है, तो मैं यहाँ पर सिटी पिशावर कर देता हूँ.
एंड देन हमारे पास जो ड्रॉप डाउन का आइकन है, बॉटम एरो का आइकन है, आइकॉन एंड आइकॉन डॉट एरो डाउन एंड उसके बाद हमारे पास क्या है आखिर में, मैप का आइकन है, आइकॉन एंड आइकॉन्स डॉट मैप, सही है। जो कस्टम आइकन अगर आपने यूज करना है तो कस्टम आइकन आप लोग यूज कर सकते हैं, सही। तो हम ये स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, सही है। हमारे पास फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को फिलहाल हम डिजाइन कर रहे हैं, ये हेडर का जो रो है। तो आइकन था फर्स्ट, फर्स्ट आइकन है, फिर टेक्स्ट है, फिर आइकन है और फिर आइकन है, फर्स्ट आइकन टेक्स्ट आइकन एंड आइकन, सही है। अब लेकिन इस आइकन का देख लें, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको बिल्कुल एंड पे पुश किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है उसको हम क्या करते हैं, स्पेसर यूज करते हैं उसके लिए, सही है। तो वो ये स्पेस ले लेगा, ये देख लें आप बन गया, लेकिन ऊपर वो आपके टॉप पे आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रैप करते हैं सेफ एरिया में, सही है। तो हमारे पास फिलहाल वो सेफ एरिया में आ रहा है। अब इसमें आप लोग देख लें, हमें टॉप से कुछ पेडिंग मिली है और लेफ्ट से कुछ पेडिंग मिली हुई है, तो ये टॉप एंड लेफ्ट पेडिंग हम इसमें ऐड करते हैं, सही है। ये हमारे पास कॉलम था, इसमें हम ऐड करते हैं एक पेडिंग का विजिट एंड हम यहाँ पे ऐड करते हैं डॉट ओनली टॉप, टॉप पे हम इसको देते हैं 50 एंड लेफ्ट पे इसको करते हैं, लेफ्ट पे 30 करते हैं इसको पेडिंग, सही। तो हमारे पास ये पेडिंग इसकी थोड़ी सी सेट हो गई है। अब जो दूसरा सेशन सीन है वो है ये जो सेक्शन है इसके, ये देखें लेफ्ट पे इसको पेडिंग मिली हुई है, सही है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि सारे को हम एक सेक्शन बना के उसको पेडिंग दें, बट ये देखें लिस्ट व्यू जो है ना, यहाँ पे जो लिस्ट व्यू यूज हुआ है उसको लेफ्ट जो राइट पेडिंग है उसको नहीं मिली, तो हम पूरे सेक्शन को पेडिंग नहीं दे सकते ना, तो उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक साइज बॉक्स यूज कर लेता हूँ। तो इस रो के अंदर मैं लेफ्ट के साइड पे एक साइज बॉक्स यूज कर लेता हूँ, साइज बॉक्स, ये चलो ये जो रो है ना रो, ये पूरे रो को मैं पेडिंग दे के लेफ्ट पे एक वो डाल देता हूँ, लेफ्ट पे इसको मैं पेडिंग देता हूँ डॉट ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट पे इसको मैं करता हूँ 20 पेडिंग दे देता हूँ, सॉरी लेफ्ट नहीं बल्कि राइट पे, सही है। तो इसको राइट से भी मैंने थोड़ी सी पेडिंग दे दी। सो अब जो बाकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट की स्टाइलिंग है वो फॉर टाइमिंग में नहीं करता, सही है। हमारा यहाँ पर जो मेन मकसद है वो डिजाइन करना है ये वाला यूआई, ये जो लिस्ट व्यूज है इसको डिजाइन करना है, सही है। और ये जो आपको ये सेक्शन नजर आ रहा है इसको डिजाइन करते हैं, सही है। अच्छा अब इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो कौन सा है वो मैं फॉर टाइमिंग यहाँ पे डाल देता हूँ, जो स्केफोल्ड का बैकग्राउंड कलर है, मैं स्केफोल्ड का बैकग्राउंड ये डाल देता हूँ, सही है। कुछ ज्यादा डार्क हो गया है, व्हाइट का 54 है, सही है। तो चलें इसको कुछ ग्रे टाइप करते हैं, ग्रे का कोई सेक्शन डालते हैं इसमें, ग्रे 100 करते हैं, देखते हैं, सही है। अभी सही है मेरा ख्याल में, अगर इसको व्हाइट करते तो व्हाइट भी नजर आ जाएगा इस पे। ओके सो ये हमारे पास था हेडर का सेक्शन, सही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है टेक्स्ट फील्ड का, सही। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है हम क्या करते हैं उसके लिए उसको कंटेनर, उसके लिए हम कंटेनर यूज करते हैं, सही है। कंटेनर एंड कंटेनर को हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो हमारे पास वो सेटिंग बन जाएगी उसकी, सही है।
इसको डेकोरेशन, एंड डेकोरेशन में क्या करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, एंड उसका कलर क्या करते हैं, कलर्स डॉट वाइट, सही है। एंड उसको हमें बैकग्राउंड कलर देनी है, बॉर्डर रेडियस देते हैं उसको, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको हम देते हैं 10। सो हमारे पास यहाँ पर आपको बल्कि नजर नहीं आ रहा वो, सही है, क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ एंटर नहीं किया। उसको हम हाइट देते हैं, लेट सपोज हाइट में देता हूँ इसको 40-50 देते हैं। ये देखिए भी आपको नजर आ रहा है, सही। तो ये हमारे पास वो कंटेनर है। इसको मैं लेफ्ट से थोड़ी पेडिंग देनी पड़ेगी, इसको पेडिंग एंड पेडिंग डॉट लेफ्ट एज इंसर्ट्स डॉट ओनली राइट से इसको देंगे 20 पेडिंग। आई थिंक यहाँ पर मैंने जो लेफ्ट से पेडिंग दी है थोड़ी ज्यादा दी है, तो उसको थोड़ा कम कर देता। सॉरी पेडिंग नहीं, इसको मार्जिन देंगे, सॉरी, क्योंकि पेडिंग और मार्जिन में डिफरेंस ये है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल की बात आती है। अगर किसी ने वेब में थोड़ा सा काम किया हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चीज का। उसको 20 करते हैं, इसको मैं 15 करता हूँ, एंड इसको भी 15 करते हैं, सही है, 20 कुछ ज्यादा आ रहा है, सही। तो ये हो गई है मेरे पास, ये मेरे पास वो कॉलम आ गया है, सॉरी ये कंटेनर आ गया। इसका हाइट मैंने 60 रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा ज्यादा करके 70 कर देता हूँ। अभी देखें फिट है, 70 करने के साथ साथ इसको मैं साइज्ड बॉक्स लगा के यहाँ पर इसको थोड़ा हाइट देता हूँ, ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाए दोनों के दरमियान। सही, अब देख लें तकरीबन तकरीबन सेम आ रहा। अब जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास इसका जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड चाइल्ड में हम क्या करेंगे, चाइल्ड में हम यूज करेंगे टेक्स्ट फील्ड, सही है। एंड टेक्स्ट फील्ड को हम डेकोरेशन देंगे, डेकोरेशन इनपुट डेकोरेशन, जिस तरह हमने वहां पर दी थी, सही है। अब अगर देख लेते टेक्स्ट फील्ड में हमें कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर, लेट सपोज मैं यूज करता हूँ, अब ये देख लें तो वो आपको यहाँ पे वो बॉर्डर नजर आ रहा है, वो जो बॉटम बॉर्डर है टेक्स्ट फील्ड का, सही है, जबकि वो हमें नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसका मैं बॉर्डर करता हूँ इनपुट बॉर्डर डॉट नन, उसको इनपुट बॉर्डर डॉट नन करते हैं तो आपका वो बॉर्डर खत्म हो जाएगा, सही है। बट इसलिए देखें आपका, आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, सही है। तो अगर हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं तो इसको टाइमिंग में सेंटर करता हूँ, एक मिनट इसको मैं सेंटर करता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आए। ये देखिए अभी सेंटर में आ रहा है बिल्कुल, ये थोड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 60 फिट हो जाएगा। अभी देखें इसको लेफ्ट से थोड़ी पेडिंग चाहिए ना। अच्छा, पेडिंग और मार्जिन का किसी के क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज छोटा सा आइडिया दे दूं। पेडिंग हमारे पास जो है ना वो इंटरनल होती है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट देखें, अब ये बिल्कुल स्टार्ट से आ रहा है। अब ये कंटेनर को मैं थोड़ा सा पेडिंग दूंगा ना, कंटेनर को पेडिंग, तो ये हो जाएगा एज इंसर्ट्स नॉट ओनली लेफ्ट से, इसको पेडिंग सॉरी राइट से नहीं लेफ्ट से, लेफ्ट से मैं को पेडिंग देता हूँ 10। ये देखें इसको ये इंटरनल पेडिंग मिल गई, अब आगे थोड़ा आगे से वो स्टार्ट कर रहा है, सही है। तो जो बाकी स्पेस है वो इधर पेडिंग चली गई इसमें। थोड़ा और आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बता दूं, ये देखें अब ये देखें, ये हमारे पास कंटेनर है पूरा, सही है। ये देखें ये जो बाहर की स्पेसिंग है ना, ये हमारे इसको हम बोलते हैं मार्जिन, जो बाहर के दूसरे विजिट से। अब ये देखें ये भी कंटेनर ही है यहां तक, बट इसको ये इंटरनल जो स्पेसिंग मिली उसको हम पेडिंग बोलते हैं, सही है। तो पेडिंग और मार्जिन में ये डिफरेंस है। So, हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड भी रेडी हो गई है, बट इसमें एक और काम भी है। यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर सर्च का आइकन है, सही है, तो हम यहाँ पर वो सर्च का आइकन यूज करते हैं। हमारे पास ये था टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड को हमने सेंटर कर दिया,
बट इस टेक्स्ट फील्ड को हटा के हम किस में डालेंगे, एक रो के अंदर डालेंगे, और उसके साथ एक आइकन यूज कर लेंगे, रेप इनटू रो, एंड यहाँ पर हम एक आइकन डाल देते हैं आइकॉन्स डॉट सर्च, एक सर्च का आइकन हमने इसके साथ डाल दिया, अभी देखेंगे क्या हो रहा है। ओके सो एरर आ रहा है, इनपुट डेकोरेटर इज टिपिकली क्रिएटेड बाय टेक्स्ट फील्ड कैन नॉट हैव एन अनबाउंड विड्थ। ओके तो ये कह रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो अनबाउंड है। चलो हम क्या करते हैं, इसको ये जो कंटेनर है इसको हम विड्थ भी देते हैं, सही है, इसको हम विड्थ देते हैं मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, उसको हम माइनस करते हैं उससे तकरीबन 45। इसको हमने क्योंकि लेफ्ट और राइट पे हमने थोड़ी पैडिंग दी है तो हमें इसे माइनस करनी पड़ेगी, 25 से माइनस करेंगे, 25 नहीं बल्कि उसको भी हमने स्पेसिंग दी है कितनी, 15 नहीं लेफ्ट पे 20 एंड 15, इसको 20 एंड 15 कितने बन गए हैं 35। ओके अच्छा अच्छा ओके टेक्स्ट फील्ड्स का मसला ये होता है, इसको अगर आप कंटेनर के बाहर यूज करते हैं तो फिर ये मसला करता है थोड़ा सा, जब आप इसको फिक्स हाइट देते हैं या फिक्स विड्थ देते हैं फिर सही हो जाता है। ये कह रहा है इसका क्या है, क्या मसला है भाई तेरा, कैन नॉट हैव अनबाउंड विड्थ, दिस हैपेंस व्हेन द पेरेंट विजेट डज नॉट प्रोवाइड फाइनाइट विड्थ कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ द इनपुट डेकोरेटर इज कंटेन्ड इनटू अ रो, सही है, इट्स विड्थ मस्ट बी कॉन्स्टेंट एन एक्सपेंडेड विजेट। ओके तो हम क्या करते हैं, रिमूव कर दिया मैंने उसको, अगर हम इसको एक्सपेंडेड विजेट के अंदर डाल दें फिर सही हो जाएगा, सही है एक्सपेंडेड, तो उससे क्या होगा जो स्पेस रहती है वो स्पेस लेगा सिर्फ, अभी मसला हमारा सॉल्व हो गया है, सही है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट फील्ड था ये इसकी स्पेस अनबाउंड नहीं होनी चाहिए, हमने क्योंकि रो के अंदर यूज किया है तो रो तो हमारे पास इनफाइनाइट रो होता है, तो उसकी वजह से ये मसला कर रहा था, तो इस एक्सपेंडेड के अंदर हमने डाल दिया है तो इसका मतलब ये है कि अभी जितनी स्पेस इसको मिलेगी सिर्फ वो स्पेस लेगी, सही है, जो बाकी स्पेस है ये उसको नहीं मिलेगी। अब ये देखें हमारा पास ये जो टेक्स्ट फील्ड था ये बन गया है, तो आज हमने जो दो डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स भी यहाँ पर डिजाइन कर लिए हैं, सही है, तो आप अपने यूज केस के मुताबिक आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। बाकी इसके जो दूसरे पैरामीटर्स हैं राइट नाउ हमें उसकी जरूरत नहीं है तो उसको हम नहीं करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है, सही है, बट हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो दूसरा सेक्शन है वो भी बन गया, यहाँ पर मैं एक साइज बॉक्स यूज करके इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हाइट देता हूँ, इसको मैं हाइट अराउंड देता हूँ 50। सही है, और यहाँ पर ये टेक्स्ट विजिट है टॉप विजिट एंड वीप ऑल, ये दोनों मैं डिजाइन नहीं करते हैं, ये आप लोग खुद कर दें, मैं यहाँ पर आता हूँ ये जो विजिट है इसको मैं बनाता हूँ, सही है, ये जो विजिट है इसको हम बनाते हैं यहाँ पर। ओके सो अगर आप देख लें ये देखें आपके पास ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल इसका बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बैकग्राउंड पे कोई विजिट यूज करना पड़ेगा, सही है, जिस तरह हमने टेक्स्ट फील्ड के फॉर्म में ये जो सर्च फील्ड था ऊपर उसके केस में हमने बैकग्राउंड पे टेक्स्ट फील्ड सॉरी कंटेनर यूज किया है और कंटेनर को हमने बॉर्डर रेडियस और सारी चीजें दे के उसको हमने यूज किया है यहाँ पर। हमारे पास एक और विजिट है जिसको हम बोलते हैं कार्ड, सही है, तो कार्ड विजिट भी हम यूज कर सकते हैं, बट कार्ड विजिट में एक मसला है, उसमें वो कुछ 3D टाइप लगता है, उसमें असल में एक बॉर्डर शेडो शेडो हम बोलते हैं उसको, असल में शेडो मिला हुआ है, तो शेडो हम फोटो टाइमिंग यहाँ पर ये डिजाइन में नहीं है तो हम वो यूज नहीं कर सकते हैं, सही है, अपना कस्टम डिजाइन करेंगे ये अपना कस्टम डिजाइन करेंगे। यस सो कमिंग टूवर्ड दिस विजेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये विजेट बनाते हैं और फिर इस विजेट को हम लिस्ट व्यू के अंदर यूज कर लेंगे, सही
तो हम क्या करते हैं, अपना विजेट बनाते हैं फर्स्ट। तो अभी बैकग्राउंड पे क्या यूज करना है, कंटेनर। अच्छा, अब ये जो कंटेनर है इसको हमने एक फिक्स हाइट एंड विड्थ देनी है, सही है, क्योंकि इसकी हाइट एंड विड्थ फिक्स आएगी। ये ऐसा नहीं है कि इसका हाइट एक जैसा होगा, जिसका इसका हाइट दूसरी तरह होगा, सही। तो इनकी हाइट एंड विड्थ सेम होनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, कंटेनर है तो उसको मैं हाइट देता हूँ, लेट सपोज इसको मैंने हाइट दी है 200 की, सही है, और इसको मैं विड्थ देता हूँ लेट सपोज 170 की, और इसको मैं डेकोरेशन करता हूँ, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। ये डेकोरेशन मैं बार बार यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एंड कलर, कलर्स डॉट वाइट, एंड बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहां पे मैं देता हूं इसको 10। ये बॉर्डर नहीं है बल्कि बॉर्डर रेडियस है, सही। हमारे पास वो सेक्शन बन गया है यहाँ पे, सही है, ये देखें, सही। आपको वो सेक्शन अगर नजर आ रहा है तो आपकी आंखें सही काम कर रही है, अदरवाइज आप अपने आंखों का इलाज करा सकते हैं। एंड हियर आई थिंक ये थोड़ा छोटा है उसके मुकाबले में, उसको थोड़ा सा, ये तो ये 1 मिनट, तकरीबन सही है, फिट है। और बाकी अगर आपने थोड़ा और, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप मुझे एक डिजाइन देंगे तो अब मैं वो एग्जैक्ट बना के आपको दे दूंगा। और अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे एग्जैक्ट बना के दो, उसको बोलो मुझे एग्जैक्ट एक्सट्री डिजाइन बना, एक्सट्री डिजाइन दो, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट सेम पिक्सल्स और सेम हाइट एंड विड्थ में बना दूं, सही। तो यहाँ पर हमारे पास डिजाइन नहीं है तो हम जस्ट रेंडमली देखते हैं कि फिट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इट कम्स टू बी फिट, ये फिट आ रहा है। अब हम आते हैं चाइल्ड में, सही है। अब चाइल्ड में अगर हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पे यूज होगा कॉलम, और कॉलम क्यों यूज होगा उसको हम एक नजर देखते हैं। कॉलम एंड कॉलम के अंदर फिर चिल्ड्रन होंगे और फिर हमने उसको यूज करना है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो विजेट है, ये विजेट, बाकी को हम छोड़ देते हैं, ये विजेट जो है, सही है, इसमें हमारे पास एक कॉलम चाहिए होगा। ये देखें एक पिक्चर है, सही है, और पिक्चर में हमारे पास एक पिक्चर है, फिर हमारे पास ये टेक्स्ट है और साथ में आइकन है, आइकन है और साथ में टेक्स्ट है, सही है, और ये सारे वर्टिकल अलाइंड है एक दूसरे के साथ, सही है। इस वजह से हम यहाँ पे एक कॉलम यूज कर रहे हैं। तो कॉलम में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इमेज होगा, सही है, तो दूसरा क्या होगा, आइकन एंड टेक्स्ट है, सही है। नेम, नेम टेक्स्ट एंड बुकमार्क का जो आइकन है, सही है, ये नेम टेक्स्ट और ये बुकमार्क का आइकन है, सही है, लोकेशन का आइकन, पिन आइकन है और एड्रेस है, सही है। सो पिन आइकन है एंड एड्रेस का जो टेक्स्ट है, सही है। तो यहां पर हमारे पास ये 3 सेक्शन है, सही है, ये रो है हमारे पास, रो ऑफ, एंड ये भी रो ऑफ, क्लियर। तो हम आते हैं इमेज की तरफ। अच्छा, इमेज की तरफ आने से पहले अगर आप लोग देख लें, ये जो कंटेनर है इसको इंटरनल पेडिंग मिली हुई है, टॉप पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी एंड बॉटम पे भी, सही है। तो ये इंटरनल पेडिंग हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको मैं इंटरनल पेडिंग देता हूँ, सॉरी ये था, ये कंटेनर हमने यूज किया है ना, इसको मैं पेडिंग भी देता हूँ इंटरनली। तो पेडिंग एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, मुझे ऑल साइड पे चाहिए ना, इसको मैं ऑल साइड पर 10 पेडिंग दे देता हूँ। अभी चूंकि आपको पेडिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जो इंटरनल आपको ब्लू नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको पेडिंग मिली है, पूरा वेट हमारे पास यहाँ तक है पूरा, ये जो इंटरनल आपको ब्लू नजर आ रहा है वो उसकी पेडिंग है। अगर आपने कुछ और ज्यादा देखना है इसको मैं 20 करता हूँ, फिर देखें, ये देखें इसकी इंटरनल पेडिंग ज्यादा हो गई है, सही है। तो यहाँ पर हमें 10 चाहिए था तो हम इसको 10 रखते हैं। सो ओके, सो इंटरनल पेडिंग इसको मिल गई है। अब हमने इमेज यूज करना है तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, इमेज का एक विजेट यूज करूंगा। ओके, बट इमेज हमने अभी तक साथ में यहाँ पर नहीं डाले, सही है, तो
अब यहाँ पर बात आती है कि हम इमेज कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, सही है? हम इमेज कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए है यहाँ पर आप हमारे पास जो एंड्रॉइड का फोल्डर है, पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर, सही है? उसमें हमने एक फोल्डर ऐड करना है, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम देंगे एसेट्स का, सही है? और उसके अंदर हम अपनी सारी एसेट्स डालेंगे, और एसेट्स के अंदर मैं डालता हूँ एक इमेजेस का फोल्डर, सही है? और इन इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं अपने एसेट्स ऐड करूंगा। अब यहाँ पर जब हम आते हैं, यहाँ से मैं कोई इमेज डाउनलोड करके मैं वहां पे ऐड कर देता हूँ। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इमेज ऑलरेडी है तो उसको यूज कर लेंगे। ओके, डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पर कोई इमेज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इमेज उठा के पिशावर म्यूजियम का इमेज उठा के हम यहाँ पे ऐड करते हैं। पेशावर म्यूजियम, सही है? इमेज हमारे पास आ गया है शो इन फाइंडर, एंड ये इमेज हम उठा के यहां से कॉपी की है मैंने, उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ इस फोल्डर में, एसेट्स का जो फोल्डर था ना उसके अंदर इमेजेस का जो फोल्डर है वहां पर मैंने ऐड कर दिया है, सही है? अब जब यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक और बात है, हमने जो डार्ट का सिस्टम है उसको बताना होता है कि मैंने यहाँ पर कोई इमेज ऐड किया हुआ है, सही है? तो उसके लिए हम कहाँ पे आते हैं, हम आते हैं pubspec.yaml के फाइल में, एंड pubspec.yaml के फाइल में अगर आप नीचे आ जाए ना तो आपको ये देखें ये फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, सही है? टू ऐड एसेट्स योर एप्लीकेशन ऐड एसेट एंड ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस एसेट्स एंड दिस वन, सही है? तब क्या करते हैं, इसी को ऑन कमेंट कर देते हैं। ओके, तो हमने यहां से एसेट्स ऐड कर दिए हैं। ओके, बट यहां पर हमने उसको बताना होता है। अच्छा, ये एसेट्स का जो फोल्डर है ये ऑटोमेटिकली उठाता है, सही है? ये एसेट्स का फोल्डर, बट उसको जब उसके आगे जो दूसरी चीजें हैं वो हमने ऐड करनी है, तो हम क्या ऐड करते हैं, हमने पूरा एसेट्स का अगर फोल्डर ऐड करना है तो एसेट स्लैश लगा देंगे, सही है? ये इमेज का जो फोल्डर है इसके आगे हमने ये लगा दिया है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई हैव सम कंफ्यूजन ओवर हियर, एनी हाउ हम देखते हैं अगर ये ऑटोमेटिकली उठा रहा है, अदरवाइज हमें कुछ और चीजें यहाँ पर लगानी होगी। क्लियर? ओके, राइट नाउ फिलहाल हम इमेज को छोड़ देते हैं, सही है? हम इमेज को छोड़ते हैं, इमेज को हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, सही है? फॉर टाइमिंग में इमेज की जगह जस्ट एक इमेज का सेक्शन जो है वहां पे मैं एक कंटेनर यूज करता हूँ और उसको हम एक कलर दे देंगे, सही है? कंटेनर, एंड कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, उसको मैं हाइट देता हूँ, हाइट एंड हाइट उसको मैं देता हूँ, अगर उसका हाइट कितना है 200 है तो उसको मैं देता हूँ 90, उसको मैं कलर देता हूँ कलर डॉट येलो, सही है? अच्छा, जो हमारे पास येलो सेक्शन नजर आ रहा है यहाँ पर हम इमेज ऐड करेंगे, सही है? बट राइट नाउ मैं इमेज ऐड नहीं कर रहा, सही है? हाइट इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसको मैं कम करके इसको 70 करते हैं, रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इमेज आएगा टॉप पे। अच्छा, इमेज है लेकिन इमेज को हमने थोड़ा सा और करना है, 80 फिट रहेगा, सही है? 80 हमने उसको दे दिया है, एंड उसके बाद हमने फिर करना है यहाँ पर जो एक टेक्स्ट है, एक आइकन है, बुकमार्क आइकन है, सही? और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक टेक्स्ट है, एक बुकमार्क का आइकन है, तो हमने यहाँ पे रो एक यूज करना है, सही है? उसके अंदर चिल्ड्रन होंगे, एंड चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास एक है टेक्स्ट पेशावर म्यूजियम पेशावर सिटी, सही?
एंड यहाँ पे एक छोटा सा मसला आएगा और मसले को रिजॉल्व करना समझना जरूरी है। अच्छा इसको क्लोज करते हैं कि हमें कोड नजर आए, एंड उसके बाद हमारे पास एक आइकन है बुक मार्क का आइकन है। ये देखें तो आपका जो टेक्स्ट है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर, सही है। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या लगाएंगे, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल से क्या होगा, फ्लेक्सिबल विजेट जो है ये आपका जो करंट विजेट उसको फ्लेक्सिबल बना देता है, मतलब अगर उसको लेफ्ट पे स्पेसिंग नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली वो डाउन चला जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा फ्लेक्सिबल विजेट क्या काम करता है। ये देखें सही है, तो उसने आपका जो जो टेक्स्ट है ना जो हॉरिजॉन्टल में उसका स्पेस नहीं बन रहा था तो उसने फ्लेक्सिबली उसको नीचे ले आया है। तो ये फ्लेक्सिबल आपके पास मतलब ऐसे केसेस में यूज होता है, सही है। और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसके लिए हम फ्लेक्सिबल को यूज कर सकते हैं, एंड वन ऑफ देम इज ओवर हियर। तो हमारे पास यहाँ पे एक आइकन भी आ गया है एंड यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिंग चाहिए, साइज बॉक्स एंड उसको मैं देता हूँ विड्थ, उसको मैं देता हूँ 10। ज्यादा लग रहा है इसको, हम 5 कर देते हैं, सही है। तो उसने उसको थोड़ी सी बेडिंग भी दे दी है, यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी साइजिंग चाहिए टॉप से, सो मैं साइज बॉक्स एंड सो मैं हाइट देता हूँ, हाइट इक्वल टू 10। सही है, ये भी हो गया है। एंड सेकंड अगेन हमें यहाँ पे एक और रो यूज करना है, इसके लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो जरा आसानी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर भी सेम सीन है, हमने फ्लेक्सिबल का विजेट यूज करना है, तो उसको मैं यहां से कट करके ओके बुक मार्क की वजह हमने क्या करना है, पिन का जो आइकन है ड्रॉप पिन ड्रॉप का, एंड इसको थोड़ा सा So, आप देख लें यहां पर जो चलिए इसको मैं करता हूं जेल रोड पेशावर, सही है। बट आप देख लें इसका स्पेसिंग का थोड़ा सा मसला आ रहा है, नीचे बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, टॉप पे स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, यहाँ पे भी स्पेसिंग नहीं है, सही है। तो ये साइज बॉक्स को ये काम नहीं करेगा सही यहाँ पर, सही है। इसको मैं फ्लेक्सीबल, अगर हम आप चाहते हैं कि इसको हम फ्लेक्सीबल रखें इसको हम फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं, सही है। इसको हम कैसे फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, हमारे पास ये जो कॉलम था, कॉलम का जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसको मैं क्या करता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर की वजह मैं क्या करता हूँ, स्पेस बिटवीन। तो मतलब जितनी भी स्पेस आपको मिलेगी ना यहाँ पे तो वो इन तीनों विजेट के दरमियान डिवाइड हो जाएगी। ये देखें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे उस स्पेस को, सही है। अब चूंकि हमारे पास जो टॉप का विजेट है जो इमेज है वो थोड़ा कम है, उसकी हाइट मैंने थोड़ी सी कम रखी है, हम उसको एडजस्ट कर लें थोड़ा सा, इसको मैं कर देता हूँ 100। अब ये देखें बाकी आपकी स्पेसिंग फिट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप पे भी स्पेसिंग आ जाए, बॉटम पे भी वो स्पेसिंग आ जाए, लेट्स सपोज को मैं करता हूँ 90 फिट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिंग सिर्फ विजेट्स के दरमियान डिवाइड ना हो, विजेट से टॉप का जो एरिया है और विजेट से बॉटम का जो एरिया है उसमें भी डिवाइड हो जाए, तो हम फिर यूज करते हैं यहाँ पर हमारे पास स्पेस बिटवीन के बजाय क्या क्या करते हैं, स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड से क्या मतलब है कि जो ये देखें टॉप से भी इसको स्पेसिंग मिल गई और बॉटम से भी स्पेसिंग मिल गई है, तो सिर्फ विजेट्स के दरमियान फिर आपकी स्पेस डिवाइड नहीं होगी, सही है। तो अगर आपने फ्लेक्सिबल यूआई बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं, सही है। तो जो वहां पे यूआई है तकरीबन उस जैसा यूआई हमने यहाँ पर बना लिया है, क्लियर। अब इसमें क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी एक वो हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू यूज करनी है, मतलब मल्टीपल टाइम मैंने इस विजेट को यूज करना है, तो इसको मैं कस्टम विजेट बना के इसको मैं डेटा पास करूंगा और फिर वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, इसको मैं कस्टम विजेट बना लेता हूँ, कस्टम विजेट्स एंड इसको मैं करता हूँ म्यूजियम टाइल नाम देता हूँ इसको मैं, म्यूजियम टाइल
यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट मटीरियल डॉट एंड स्टेटलेस विजिट एंड म्यूजियम टाइप, इसको मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ। क्लियर, अब ये देखें ये पूरा विजिट मेरे पास यहाँ पर बन गया है। अब उस पूरे उसके बजाय मैं यहाँ पे क्या क्या यूज करता हूँ, अगर मैं यूज करता हूँ म्यूजियम टाइल का मैंने विजिट यूज किया है, ये देखें आपके पास वही म्यूजियम का टाइल आ रहा है। अगर मैं एक और यूज करता हूँ यहाँ पर, ये देखें हमारे पास एक और आ गया है। सही है, इस तरह आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा अभी हम आते हैं लिस्ट व्यू की तरफ। सही है, अभी हमने यहाँ पर यूज करना है लिस्ट व्यू, और वो भी कौन सा, वो हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू यूज करना है। क्लियर, जिससे आपके पास अगर आपके पास आइटम्स लिस्ट में आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो व्यू यूज होता है वो है लिस्ट व्यू। अब हम यूज करते हैं यहाँ पर लिस्ट व्यू, तो लिस्ट व्यू का विजिट भी उसी तरह है जिस तरह हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। सही है, इसको भी हम चिल्ड्रन असाइन करते हैं, और चिल्ड्रन मैंने इसको क्या असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज ये एक टाइल मैंने असाइन किया है इसको, एंड दूसरा किया है, एंड तीसरा किया है इसको, ये देखें ये पूरा आपके पास एक लिस्ट व्यू आ जाएगा। बट ये कह रहा है ये इसको एक इशू मिल रहा है यहाँ पर। सही है, ये इशू मिल रहा है इसको कि आप यहाँ पर, उसके लिए हम क्या करते हैं श्रिंक रैप लगाना पड़ेगा। सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने इनफाइनाइट में स्पेस में ले रहा हूँ, इनफाइनाइट स्पेस को नहीं चाहिए, उसको हम करते हैं श्रिंक रैप, इसको टू कर लेंगे तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सही है, श्रिंक रैप मैंने किया है तो उसका वो इशू रिजॉल्व हो गया। बट ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है जबकि एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। बट एनी हाउ ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू में आ रहा है ना, जबकि हमें वर्टिकल लिस्ट व्यू चाहिए। सही है, तो हम क्या करते हैं, ये जो सॉरी ये वर्टिकल में आ रहा है, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये नीचे ओवरफ्लो आ रहा है ना, तो ओवरफ्लो इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसको क्या बनाते हैं, इसको हम एक विजिट सिंगल चाइल्ड लिस्ट व्यू, तो ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सही है, अब देखें आपके पास, बट ये स्क्रॉल नहीं हो रहा ऊपर नीचे। सही है, और स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या हो सकती है। ओके, स्क्रॉल नहीं हो रहा तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर प्राइमरी है, प्राइमरी को हमने शू कर देते हैं इसको। असल में इसमें अभी हमारे पास दो स्क्रॉल्स यूज हो रहे हैं, एक ये स्क्रॉल व्यू है, सही है ना, और दूसरा जो लिस्ट व्यू हमने यूज किया है इसका स्क्रॉल व्यू यूज हो रहा है। मतलब अब ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैंने कौन सा स्क्रॉल करना है, ये ऊपर वाला स्क्रॉल करूंगा टोटल जो स्क्रीन का स्क्रॉल है, या मैं लिस्ट व्यू का स्क्रॉल करूंगा। सही है, तो उसके लिए ये इसको इशू मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ इसका प्राइमरी जो है ना इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। प्राइमरी का मतलब ये है कि आपने स्क्रॉल होना है या नहीं होना। सही है, अब ये देखें स्क्रॉल हो रहा है। सही है, लेकिन स्क्रॉल कौन से वाला हो रहा है वो देखें, साथ में जो ऊपर एरिया है ना वो भी साथ में स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो कॉन्स्टेंट रहे, जस्ट ये नीचे वाला स्क्रॉल हो, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। सही है, और ऊपर जो टॉप का जो स्क्रॉल व्यू था ना उसको हम फॉल्स कर देते हैं, या पूरे इस लिस्ट को हम हटा देते हैं, स्क्रॉल व्यू को हम हटा देते हैं वहां से। सही है, हाँ, बट आप फिर आपको वहां यहाँ पे इशू आएगा, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाना पड़ेगा। सो इसको इसका प्राइमरी हम फॉल्स कर दें, अच्छा जो टॉप का हमने यूज किया हुआ है ना उसको ट्रू रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ये काम नहीं कर रहा, उसको हम ट्रू कर देते हैं और इस वाले को हम फॉल्स कर देते हैं। बट यहाँ पर हमने जो लिस्ट यूज किया है, हमारा ये यूज करने का प्लान नहीं था, हमारा तो हॉरिजॉन्टल का प्लान है ना, इसको हम फॉल्स कर देते हैं राइट नाउ, तो ये आपका पूरा जो स्क्रॉल है वो इफेक्ट अभी ये पूरा स्क्रॉल होगा। सही है,
अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर का एरिया स्क्रॉल ना हो तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्टैक। फिर हम स्टैक यूज करेंगे तो आपको जो ऊपर का एरिया है वो साथ में स्क्रॉल नहीं होगा, फ्रेंड डाउन, सही है। ओके बट यहाँ पे जो टाइल हमें मिली है हमें ये नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, इसका डायरेक्शन, स्क्रॉल डायरेक्शन हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल चाहिए, क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल में लगाना है। अब हॉरिजॉन्टल में ये एक और इशू करेगा, सही है। हॉरिजॉन्टल में इशू ये करता है कि जो लिस्ट व्यू है इसको अपना हॉरिजॉन्टल जितना स्पेस है उसका नहीं पता होता कि मैं कितना स्पेस दूंगा, सही है। तो आप ये करें कि आपने ये जो टाइल को जितना स्पेसिंग दिए हुए ना, इसका हाइट कितना है, 200 है, इसका इसका एक कंटेनर लगा के उसका हाइट भी 200 कर दें। इसका हाइट मैं करता हूँ 200, तो ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, देखें, सही है। अब आपका ये देखें, आपका ये लिस्ट व्यू बन गया है यहाँ पर, सही है। अब इसको थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए यहाँ पर, तो ये जो आपका जो म्यूजियम टाइल है हर एक को हम थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं, इसको थोड़ी सी मार्जिन मार्जिन भी दे देते हैं। पेडिंग्स तो हमने दी है ना मार्जिन, एंड इसको हम मार्जिन देते हैं एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक, एंड सिमेट्रिक में इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल में, इसको मार्जिन देते हैं 5, सही है, 5 एंड 4, ये देखें, सही है। आपका जो है ना ये पूरा जो हमारा हॉरिजॉन्टल लिस्ट था वो बन गया है, क्लियर, ये देखें। अब इसमें हर एक में अलग अलग डेटा डालना, तो आई थिंक हम उसको छोड़ लेते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप किस तरह इसको कंस्ट्रक्टर इसका बना के हम उसको किस तरह डेटा पास कर सकते हैं। इस तरह हमने ये पिछले स्क्रीन पे किया था ना यहाँ पर, इसको हमने अलग अलग डेटा पास किया हुआ है, दोनों को ईमेल एड्रेस अलग पास किया है, पासवर्ड अलग पास किया हुआ है, जो फील्ड है सेम आप इसकी केस में कर सकते हैं यहाँ पर, इसको आप अलग डेटा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो आपका ये जो है वो अलग अलग आएगा, क्लियर। तो यहाँ तक हमारा आज का सेशन, यहाँ तक हमने जो कोर्स कवर किया है दैट्स एनफ फॉर टुडे, क्योंकि हम आगे और नहीं जाते हैं, और काफी काम पड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बाकी काम जो है ना मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ देता हूँ कि आप यहाँ पर मैंने जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू बनाया हुआ है ना, आप इसका जो है ना वर्टिकल लिस्ट व्यू बना लें, इसका जो वर्टिकल लिस्ट व्यू है वो आप बना लें, सही है। फिर नेक्स्ट सेशन में हमने क्या करना होगा, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा हम कहाँ से उठाएंगे, ये फॉर टाइमिंग हम एक लिस्ट बना के उससे डेटा उठाएंगे, इसको हम डायनामिक कर देंगे, राइट नाउ ये स्टैटिक है, हमारे पास स्टैटिक डेटा हमने डाला हुआ है, इसको हम डायनामिक करके और इसमें हम क्या डालेंगे, जो डेटा आ रहा है उसको हम इंटरनेट से उठा के डेटा ले जाएंगे, हम फायरबेस यूज करके फायरबेस का डेटा इसमें डाल देंगे, सही है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर हमें टाइम देखते हैं कंटेंट्स हमारे क्या है नेक्स्ट सेशन के, तो उसी के मुताबिक हम इसी को आगे लेके जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, सही है। तो नेक्स्ट सेशन में ही हम इस सेम एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफी था, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। If you have any question, most welcome. Anyone having any question, most welcome. Kastam sa question hai. Agar aapka bhi koi question hai, to kar sakte hain. Otherwise, having any question, most welcome. Okay, question nahi hai. So that's okay. So let's end this session.